यादव के नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। हम कभी सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने फोन टैप किया, दूसरे वक्त सुनते हैं कि एक मिनिस्टर के बेटे ने अंकिता को पहाड़ी की ऊंचाइयों पर से धक्का दे दिया। एक मिनिस्टर का बेटा ब्लैकमेल करता है और दूसरे मिनिस्टर का बेटा लोगों को मलेस्ट करके दबाता है। लेकिन आज का जो केस है प्रज्वल का, जो कर्नाटका के मिनिस्टर का एक बेटा है, उसने 2800 लड़कियों के साथ फोर्सिबली वीडियोस बनाए और ऐसे अश्लील वीडियोस बनाए, फिर भी क्योंकि उसके पास पैसा है और पावर है, उसको हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। वो आज जर्मनी में बैठा है और जब तक ये जनरल पब्लिक दबाव नहीं बनाएगी तब तक उसको कुछ नहीं होगा। आवाजें उठाई जाएगी, राजनीतिक फायदे उठाए जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं हाथ जोड़कर हर एक महिला से ये प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटी, हर एक भाई, हर एक वो इंसान जो अपनी बेटियों से प्यार करता है, अपनी बहनों से प्यार करता है, मैं ये निवेदन करती हूँ कि जब आप वोट करें, एक ऐसे इंसान को वोट करना जो एक महिला को सच के मायने में नारी शक्ति का स्वरूप मानता है। अगर उसके ऊपर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे उसने अश्लील वीडियोस बनाए हैं, या फिर उसके ऊपर कोई रेप का केस हो, या फिर उनको कभी वोट नहीं देना। बड़े बड़े लोग जो इतने बड़े पायदानों पर बैठते हैं और लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, दबाते हैं, धमकाते हैं, अगर वो ही इतने बड़े पॉलिटिकल पोजीशंस में आ गए तो इस देश की बेटियों का क्या होगा। मैंने इसके मायने में एक स्लोगन बनाया है और मैं चाहती हूँ कि ये स्लोगन हर एक महिला के पास जाए, और ये मन से मैं कह रही हूँ, जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी, जब हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। इस प्रज्वल को नहीं छोड़ना और उन सबको नहीं छोड़ना जिन्होंने अपने पावर से लड़कियों की हत्या की है, लड़कियों का रेप किया है। 2800 लड़कियों के वीडियो बनाना, मुझे नहीं लगता एक जानवर भी ऐसी चीजें करता है। तो ये आपके हाथ में है कि हमारा देश रावण राज की तरफ जा रहा है या राम राज की तरफ। जय हिंद, नमस्कार। याद रखना, हर घर की औरत जगेगी तो इस देश की बेटी बचेगी। जय हिंद, नमस्कार। SSTV सिनेमा जगत्तिना क्षण क्षण सुद्धियोंदिगे।